अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध एफआईआर लिखवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र निशा पत्नी बिट्टू ग्राम कचलान थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ निवासी गण ग्राम कचलान थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद के हैं, जो दलाली का काम करते हैं। ग्राम एफ क्षेत्र के भोले भाले लोगों को उल्टे सीधे केस में फंसाकर फंसाने की धमकी देकर फैसले में मोटी रकम ऐंठने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे पति बिट्टू व अन्य ससुराल वालों को भी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और कहा कि तुम हमें 10 लाख दो वरना हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। उन्होंने एसएसपी से निवेदन किया है कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश करे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। क्या मामला है जो आज आपने प्रार्थना पत्र दिया एसएसपी साहब के यहाँ? ये मतलब झूठा केस है, ये और ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं है और बस आपकी मांग की थी झूठे केस में और क्या नाम है कहते हैं कि दस लाख रुपये दो मुझे पूरा मुकदमा और करेंगे। हम मुकदमा कर दिए, उन्होंने 5 लाख रुपये हमने के लिए दे दिए हैं और क्या नाम है 10 कह रहे हैं 5 लाख हमें और चाहिए और हमने पूरा फैसला उसने सब दे दिया है, रेट वगैरह सब लग गए हैं। कौन से कौन से गाँव का मामला है ये? ग्राम कचलान का मामला है। थाना कौन सा है? थाना भरा है। तो पहले भी आप फैसला कर चुके हैं इन लोगों से? फैसला कर लिया, फैसला हो गया है, दोबारा पैसा मांग रहे हैं। फैसला करने के बाद दोबारा फिर पैसे मांग रहे हैं? दोबारा फैसला मांग रहे हैं, बेल भी दिला दी है, खारिज करा रहे हैं, 5 लाख और दो मांगेंगे तब फैसला करेंगे और हमें 5 लाख में जमीन बेच कर पैसे देंगे। और गांव में धमकी देते हैं, गांव घर में हमारे घुसते हैं, दारू पी के परेशान करते हैं कि हमको गांव से भगाया जाएगा, नहीं तो हमें 5 लाख रुपये दो, नहीं तो 5 लाख रुपये दो और नहीं तो आपको कुछ जेल कराएंगे और मुकदमा 2-4 बार ठुकवाएंगे, ये कहते हैं। तब हम लोग हैं परेशान करते हैं, घर में गाँव में जो बहन दुश्वार कर दिया है, हम बहुत परेशान है, समय भाई दौड़ी कर रहे हैं, हमारे कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या क्या नाम है उनके? उनके देवेंद्र देवर देवेंद्र सिंह है, उनके पिताजी का नाम सूरत पाल सिंह है और उनके भैया नरेंद्र सिंह का लड़का अमित कुमार, ये सारे पहले भी हमारे घर में आप घुसे थे, पहले भी उन्होंने ऐसी बदमाशी दिखाई थी, पहले भी उन्होंने ऐसी करा था, फिर कोई गांव वालों की सहमति से जो है फैसला हो गया, 10 लाख की उन्होंने मांग रखी थी, 5 लाख रुपये में दे दिए थे, जैसे जमीन वगैरह सब हमें हमारे पास हैं, सबके इन लोगों के पास सब हैं, कहते हैं 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे, नहीं तो हम और उस पर कार्यवाही करेंगे। मुरादाबाद से जेल खालिज करा दी है, अब जीराबाद में बेल डाली है, वहाँ से भी खालिज कराने के लिए बोल रहे हैं। आपको उन्होंने क्या है कि मतलब इसमें गांव में मतलब इसकी जांच की जाए, ये झूठा केस है और क्या नाम है और ये झूठा केस उन्होंने बना रखा है, हम पैसे एफिडेविट सब लग गए हैं और पैसे से हमने सब दे दिए हैं, इसकी जानकारी ली जाए गांव में जाके, ये झूठा केस है बिल्कुल।